अच्छा को भाई अरे यार खरीदे हैं पेपर देना हो गया। दोस्तों स्वागत करता हूँ एक बार फिर से इस नई वीडियो में। और आज मैं आया हूँ गोपेश्वर और आज चौथा सोमवार है सावन के महीने का। और इस चौथे सोमवार पे मैं गोपीनाथ मंदिर में माथा टेकने आया हूँ। और आज यहाँ पे काफ़ी मात्रा में भीड़ लोग आ रखे हैं और अभी तो ऑलमोस्ट कम हो गई है काफ़ी। लेकिन हाँ जी क्या कह रहे हैं आप सच कह रहे हैं तो आज अभी तो कम हो गई भीड़ है ना, काफ़ी पहले से थोड़ा कम हो गई है लेकिन फिर भी काफ़ी लोग हैं अभी यहाँ पे। तो एक राउंड मार के आते हैं जरा अंदर से, है ना। चप्पल तो खोल दो। वैसे तो हम होके आ चुके हैं लेकिन अभी हम दोबारा जाएंगे। ये देखिए माथे पे तिलक भी लगवा लिया है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ आ रखी है लोगों की। फिलहाल अभी तो थोड़ा खाली दिख रहा है लेकिन थोड़ी देर पहले तक काफ़ी यहाँ पे भरा हुआ था। और पीछे से चलेंगे हम, पीछे का गलियारा एक बार फिर से। ये मेरी आई थिंक तीसरी वीडियो है गोपीनाथ टेंपल की, बढ़िया अलग अलग अवसर पे। तो ये है जी गोपीनाथ टेंपल, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी वीडियो, बहुत छोटी। और हमारे ये सिबी भाई हैं, ये हमारी बहुत बड़ी हस्ती हैं यहाँ गोपेश्वर की। अरे नहीं यार, ये हमारे भाई छोटी सी हस्ती हैं, ये ठीक है, ये ठीक है। सिपाही ये पीछे जो है ये क्या है, यहाँ को क्या बोलते हैं यार? यहाँ पे प्रांगण में, यहाँ पे वो होता है क्या, प्रांगण में क्या, होली के टाइम पे, होली के टाइम पे डांस होता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कौन नाचते हैं? बिल्कुल। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि ये मंदिर भी कत्यूरी वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। सती भाई है ना सिपाही? अलग अलग नाम आते हैं, अलग अलग, कोई कहता है पांडव ने बनाया। अच्छा, मतलब कुछ वो नहीं है अंदाजा प्रॉपर। कत्यूरी मंदिर तो कत्यूरी शैली में है। हाँ, मंदिर तो कत्यूरी शैली में बनाया। अच्छा, तो वन शॉट वीडियो होगी दोस्तों ये। और यहाँ पे कुछ पुरानी शिल्पकारियाँ देखने को मिल जाएंगी जो पत्थरों को तराश तराश के ये बनाए गए हैं। क्या कहते हैं इनको, हैं से भाई? पता नहीं है सर, पता नहीं क्या कहते हैं इनको, पत्थर ही हमारे हिसाब से तो पत्थर ही बोलते हैं इनको। मतलब पत्थर नहीं, मतलब तराश के इनको वो बनाया गया कुछ ना, पुराने टाइम पे कल वो दिखाई गई है। ये यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी मिल जाएंगे। ये भद्रकाली का मंदिर है और ये इस पेड़ को, यार मैं थोड़ा सा मेरे वो हो गया स्लिप, क्या बोलते थे, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष है ये दोस्तों, कल्प वृक्ष है। और ये देखिए, हाँ शिलाएं, वो है अशोक चल का, अशोक चल का वो त्रिशूल। कहते हैं इस त्रिशूल को जो दिल का सच्चा होगा इंसान, जिसने कोई पाप नहीं किया होगा, वो उंगली लगाएगा तो वो हिलने लग जाएगा। ऐसे भी हिलता है, मतलब हिला पूरे हाथ हिलेंगे दोनों हाथ हिल जाएगा। ना ना, ऐसे रखने पे उंगली, सिर्फ यूँ रखने पे, देखिए एक बार चेक करिए आप, हिलता है। मैं तो पापी हूँ शायद। ये है दोस्तों वो त्रिशूल और इस त्रिशूल के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर लिखा हुआ है। और कहाँ से चले, इधर से आ जाओ थोड़ा सा। तो दोस्तों यही है गोपीनाथ मंदिर और आज हम यहाँ सावन के चौथे सोमवार पे यहाँ आए हुए हैं। और मुझे सिबी भाई लेके आए हैं, सुबह भी लाए थे ये मुझे। मैं कहाँ लाया? अच्छा, आप भी लाए। तो अभी भी लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए, क्यों? भात भी बनाना है ना, भात भी बनाना है घर जाके। तो चलो दोस्तों चलते हैं। और कैन सी दोस्तों, यही था गोपीनाथ मंदिर, चौथा सोमवार सावन का महीना। जय भोले,
जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, और जय शंभू।